गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू योर एंशंट हिस्ट्री कोर्स. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेगालिथिक कल्चर. ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स. ओके, मेगालिथिक वर्ड को आप तोड़ोगे तो यू कैन डिवाइड इट इनटू मेगा विच मीन्स बिग एंड लिथिक मीन्स स्टोन. ओके, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स. ओके, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स कहाँ पर पाए जाते थे? वॉज इट ओनली इन द एशियन कॉन्टिनेंट? वॉज इट ओनली इन इंडिया? सो द आंसर इज नो. दे वर ऑल्सो फाउंड अराउंड यूरोप, एशिया के अदर पार्ट्स. दे वर ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका. दे वर ऑल्सो फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका. ओके, सो दीज आर सर्टेन प्लेसेस दुनिया के अंदर जहाँ पर मेगालिथिक कल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था. ओके, टॉकिंग अबाउट इंडिया, इन द इंडिया दे अकर एज फार एज द साउथ इंडिया. ओके, साउथ इंडिया से दे वर मूविंग टू डेक्कन. ओके, डेक्कन के बाद में यू कैन ऑल्सो फाइंड देम अराउंड अरावली वाला रीजन एंड नॉर्थ वेस्ट. ओके, सो इंडिया के अंदर भी द मेगालिथिक बरियर्स आर प्रेजेंट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. ओके, एंड इवन टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न टाइम्स, आज के समय पर भी देर आर सर्टेन ट्राइब्स सच एज द खासी ट्राइब ऑफ आसाम. ओके, एंड द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके, ये वाली जो ट्राइब्स है ना, इवन इन द मॉडर्न डेज टाइम दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग मेगालिथिक कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ बरियल. ओके, तो अब हम थोड़ा समझते हैं मेगालिथ्स होते क्या थे. मेगालिथ्स लिटरली मीन्स दैट दे आर अ बिग स्टोन, बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स. ओके, दे यूजली रेफर टू बरियल. ठीक है, तो जब भी आप मेगालिथ्स की बात करेंगे, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट बरियल्स विद मेगालिथ्स. ओके, दे वर यूज टू बरी द डेड. Okay, they were usually made of large stones. These were graveyards away from the habitation area. तो जहाँ पर लोग रहते थे उससे कुछ दूरी के ऊपर this graveyard was being made by such kind of people who were practicing this culture. ये exist कब करता था? This existed from 3rd century BC to 1st century AD. Okay, important है date थोड़ा chronology के लिए. It's important that you remember it. मेगालिथिक पीपल बिलोंग टू द आयरन एज कल्चर. तो जब ये वाली प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई थी बरियल की, उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया था यूज़ करना, एंड हैंस वी कॉल इट अ आयरन एज कल्चर. मेगालिथिक बरियल्स कैन बी सीन ऑन द सर्फेस एंड दे वर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. ओके, तो दोनों जगह ही होता था. लाइक इट वॉज नॉट जस्ट अ सुपरफिशियल यू नो ऑन द सर्फेस बरियल, या फिर वो खाली अंडरग्राउंड नहीं था. बोथ ऑफ दिस कैरेक्टर्स कैन बी सीन. इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर. Now some features. There was certain kind of potteries. Pottery items were buried along with the dead. Or wo thi black and red ware pottery. NCERT ke andar diya hua hai, please learn it. Later on, since it was a iron based society, kuch kuch tools or weapons were made of iron. Unko bhi bury kara jata tha dead ke saath mein. At times, along with the dead, certain other items such as gold ornaments, objects, horse skeleton were also found. ये वो दर्शाता है कि जो people, you know, the people who were practicing megalithic burials, they had a belief that मरने के बाद में भी there is a life after death. Okay, तो इंसान को assist करने के लिए in that life वो लोग क्या करते थे, कुछ चीज़ें रख देते थे, so that you know if the person is going to another life, वो इन चीज़ों का use करके he can survive. Okay, so ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट दीज पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. ओके, अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे यू हैव एन एग्जांपल ऑफ मेगालिथिक बरियल्स. बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए हैं, सम आर इन सर्कुलर फॉर्म, कुछ कुछ अकेले भी हैं, सम आर इन सर्कुलर फॉर्म. ओके, तो दीज वर कॉल्ड द मेगालिथ्स. इन सम मेगालिथ्स देयर हैव बीन मोर देन वन स्केलेटन. एक से ज़्यादा स्केलेटन होने का मतलब ये था that at times people from the same family were buried at the same place, obviously at different intervals of times. Okay, तो ये भी देखा गया है कि एक ही माउंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को बरी किया जाता है. ठीक है, this was also practiced. अब कुछ कुछ important sites हैं जहाँ पे megalithic burials के certain distinct character देखे गए हैं. Okay, so one such site is ब्रह्मगिरी. Okay, it is situated in आंध्र प्रदेश, एंड वहाँ पे एक स्केलेटल मिला है. एक स्केलेटल शोज दैट ओनली वन पर्सन वॉज बरीड. ओके, बट इस खाली एक पर्सन के लिए देर वर, दिस इज गोल्ड, सॉरी मिस टाइप हो गया. सो देर वर
33 गोल्ड बीट्स, 2 स्टोन बीट्स, कॉपर बैंगल्स, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान के लिए रखी गई थी। अदरवाइज दूसरे बरियल्स में क्या होता है, एक दो आइटम्स होती हैं। सो इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि देयर वॉज अ सोशल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट एट द टाइम। सोसाइटी के अंदर डिफरेंस था, कुछ लोग रिच थे तो उनके बरियल्स में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, कुछ लोग पुअर थे तो उनके बरियल्स में कम चीज़ें मिलती थी। ओके, अनदर साइड इज इनाम गांव। ओके, इट वॉज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1800 टू 1200 BC। और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फीचर ये था कि जितने भी अडल्ट लोग जिनकी डेथ होती थी, दे वर बरीड विद देयर हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये कॉमन फीचर सबके अंदर देखा गया है इन द प्लेस कॉल्ड इनाम गांव। ठीक है, NCERT के अंदर मेंशन है, प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिए। ओके, देन देयर इज दिस न्यू साइट इन तमिलनाडु, अदिचनालूर। ओके, विच इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट बिकॉज लाइक इट इज़ गिवन इन सर्टेन मैप्स जो NCERT के अंदर आपको देखे जा सकते हैं। जैसे आपके लिए मैंने एक NCERT का मैप यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करा है। ओके, सो मेगालिथिक साइट्स दे आर मार्क्ड विथ ग्रीन डॉट, तो आप तमिलनाडु वाला देख सकते हैं। यू कैन फाइंड ब्रह्मगिरी विच इज़ इन आंध्रा, इनाम गांव इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार इसको ढंग से याद कर लो। ओके, एंड यू कैन यूज़ दिस सिमिलर मैप फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे यहाँ पे पेलियोलिथिक नियोलिथिक साइट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको देख लो बिकॉज लाइक दिस इज़ गिवन इन NCERT। ओके, ये NCERT का मैप है, यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम मैप। तो NCERT में जो भी दिया हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड वील कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।